lies in the creator's hands. So normally I work on lots of trees, buildings, just living here. Be inspired from the Mumbai life. Style I work in is semi-realistic. Moon kuch interesting bhi lagna chahiye, moon mein kuch detailing bhi lagni chahiye. He kai hai, sagre pana pana akashat udta hai. Behave like a doctor. Akela, akela. But an artistic life is lonely. Shenoy sir wahan, unhone वो ओपन किया हुआ था. फर्स्ट शो में एक इंटरनेशनली गया था. पेंटिंग अटक जाता है बीच में. हाँ, काफी स्ट्रगल्स है. अभी भी बहुत लोगों को आर्ट फ्री में मिलनी चाहिए ऐसे लगता है. हमेशा गॉडफादर की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है. इंडिया में ज्यादा है स्ट्रगल. आर्ट इज एन इन्वेस्ट. नो, आई एम नॉट हेटिंग द लॉकडाउन. आई एम एंजॉयिंग इट. वैन गॉग की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है. कोई भी आता उसको टॉन्ट मार के चला जाता. सो इज नॉट सो मच. ये एक बहुत ही स्ट्रेंज आर्ट है एंड प्रोबेबली इट इज ओवर रेटेड या अंडर रेटेड. प्लेज अ वेरी डीपर रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. पेंटिंग के सामने थोड़ा टाइम सो लेती हूँ. हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल एंड टू माई पॉडकास्ट नमिता सावंत राजपूत पॉडकास्ट. आज का मेरा पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज मेरे पॉडकास्ट में आ रहे हैं एन आर्टिस्ट पर एक्सलेंस भावना सोनावने. भावना इज एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंडियन कंटेम्पररी आर्टिस्ट जो कि पॉपुलर है अपनी यूनिक स्टाइल ऑफ यूजिंग मेटल विद एक्रेलिक्स दैट गिव्स लाइफ टू हर इमेजिनेशन एंड फैंटेसीज. और उनका यही जो स्टाइल है ये बहुत इंस्पिरेशनल है. शी इज वाइडली पब्लिश्ड फॉर हर नोटेबल वर्क लाइक होम्स एंड हाउसेस, द म्यूजिशियंस ड्वेलिंग्स, होली स्पेसेस, मून्स, लोटसेस, इंसेक्ट सीरीज, द सिटी ऑफ लाइफ इन अ नाई वे ऑफ एक्सप्रेशन. और बस यही नहीं, उनके आर्ट वर्क कुछ वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशंस में भी प्लेस्ड है जैसे कि आर्ट हब्स ऑफ पेरिस एंड स्वीडन. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट हर आर्ट वर्क ऑल्सो एडॉर्न्स द वॉल्स of the World Bank, Washington DC. Having said that, मेरे लिए ये बहुत honor की बात है कि भावना सोनावने ने मेरा invite accept किया to come for my podcast and share her story. So without any further delay, let's dive in. Yeah, how are you doing, Bhavna? Hi, I'm fine. How are you? Yeah, good, Bhavna. And I hope कि आपकी family में everyone is like safe. Yes, everyone is safe, everything is fine. You're working from home, of course. I brought my little bit of studio here at my home and I'm just sometimes I go to the studio maybe once or twice in a week. ओके, सो भावना एक्चुअली आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बतानी है. जिस दिन आपकी और मेरी बात हुई दैट वी विल गो अहेड विद द पॉडकास्ट, तो उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को आपकी वेबसाइट बताई. एंड बाय द वे माय हस्बैंड इज अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन. एकदम ऐसे क्रिटिकल थिंकर बोलते ना, सीरियस ऐसे पर्सन है वो. एंड वो 100% जब भी कोई रेस्पॉन्स होता है बहुत ही ब्लंटली ऑनेस्टली बोल देते हैं. So I just showed him your website ki see I'm going to speak with Bhavna and trust me when he saw the images of your artwork he was like astonished. Unke muh se ek hi shabd nikla, wow. So that actually means a lot. And wo jo project popular kahawat hai na ki like beauty lies in the beholder's eyes, us waqt mere dimag mein ek cheez aayi ki beauty lies in the creator's hands. और वो आपकी इमेजेस को आपके आर्ट वर्क को देखकर यही फीलिंग आती है. थैंक यू. थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क्स एंड प्लीज उनको भी थैंक्स बोलना मेरी तरफ से. बहुत अच्छा लगा ये सुन के. नो, यू एक्चुअली डिजर्व इट भावना. एंड यू नो, हैविंग सेड दैट, आई वेलकम यू टू माय चैनल, टू माय पॉडकास्ट एंड टू माय वर्ल्ड ऑफ ऑडियंस. आई एम डीपली ऑनर्ड कि आपने एक्सेप्ट किया मेरा इनवाइट टू कम फॉर दिस पॉडकास्ट एंड शेयर योर स्टोरी. थैंक यू. और मुझे आपको थैंक्स बोलना है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया. इसी वजह से बहुत से लोगों तक मेरा काम पहुंचेगा और बहुत से लोगों को भावना सुनाने मेरी स्टाइल पहुंचेगी. Yes, I completely agree with you, Bhavna. And Bhavna, you are, by the way, already a celebrity. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी आर्टिस्ट हूँ मैं.
सो भावना, लाइक बेसिकली अभी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, आपके रिमार्केबल अचीवमेंट्स के बारे में अपने ऑडियंस को ब्रीफ में बताया, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ आपके बारे में बताइए, जैसे कि मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, आपके इंस्पिरेशंस क्या रहे, एस्पिरेशंस क्या रहे, हाउ यू चोज टू बिकम अ कंटेम्पररी आर्टिस्ट, What was your journey? आपको कोई challenges आए, hurdles आए, आपने कैसे face किए, कैसे over किए, your journey till now, everything, anything that will give my audience a flavor of your life. बचपन से मुझे drawing of course पसंद था और जब छोटी थी तब paintings के साथ साथ मैं school में average student थी और कैसे तो पास होती थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वर्किंग पेरेंट्स थे. मेरे पेरेंट्स दोनों भी लेक्चरर्स है कॉलेज में, अभी रिटायर्ड है एंड साइंस स्ट्रीम से, और वो पहले से इंटेलिजेंट रहे हैं, मैं इंटेलिजेंट नहीं थी. और मुझे ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, आर्ट में इंटरेस्ट था, तो मुझे कभी हाथ में क्ले आ जाता था तो उसकी चीज़ें बनाती थी. मुझे वो गणपति के कारखाने हैं उसमें बहुत काम करना मेरा बहुत, मैं चाहती थी कि कभी मुझे काम करने मिले, तो एक दो बार मैंने वो भी आगे जाके काम किया. उसके बाद छोटी थी तभी समझो कारपेंट्री का घर में कुछ काम हुआ है, लकड़े के पीसेस पड़े हैं तो उसको सैंड पेपर से घिस के उस पर कलर लगा के उसके कभी इयररिंग्स, उसके नेक पीसेस ऐसे बनाती थी मैं. शेल्स अगर मिल जाते हैं यहाँ पे अपने बीच साइड से तो शेल्स उठा के ले आती थी, उसमें होल्स बना के उसके मैंने नेक पीसेस बनाती. ये चलता रहा, ये 9th-10th स्टैंडर्ड तक ये चलता रहा. साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी चलती थी लेकिन मुझे क्रिएटिव साइड जाना था पहले से. माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी ए डॉक्टर, उन्होंने डिसाइड कर लिया था पहले से ही कि मुझे मेडिकल में जाना है. और उनसे कुछ झगड़ा करके मैंने 12th तक किया, 12th साइंस तक वो जैसे कह रहे थे वैसे पढ़ाई की. लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, डॉक्टर अगर बनूंगी तो आर्ट फील्ड छूट जाएगा और मुझे बनना भी नहीं था. तो मैंने वहाँ पे भी पढ़ाई में जानबूझ के शायद ध्यान कम दिया था. और फिर मुझे 12th के बाद मैंने ये इस फील्ड में आई हूँ. मैंने डिप्लोमा किया है रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट से और फिर उसके बाद मुझे, क्योंकि पेरेंट्स भी टीचिंग फील्ड में थे तो थोड़ा सा टीचिंग के बारे में अट्रैक्शन था, टीचर बनना चाहती थी. तो मैंने डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन किया सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से. 2 साल तक मैं आर्ट इंस्टीट्यूट में लेक्चरर रही हूँ 2005-06 में. और उसके बाद तो सिर्फ पेंटिंग्स पे ध्यान दे रही थी, अभी धीरे धीरे स्कल्पचर्स भी कर रही हूँ. लेकिन बचपन से एज एन आर्टिस्ट अगर बोला जाए, आर्टिस्ट का जो वे होता है, वे ऑफ लाइफ होता है, वो ईजी नहीं होता. अभी अभी पेरेंट्स रीच आउट हो रहे हैं इस फील्ड के लिए, लेकिन वो जमाना थोड़ा अलग था. उस वक्त इतना ईजिली नहीं भेजा जाता था मिडिल क्लास फैमिलीज में, क्योंकि आगे जाके जॉब्स कम है, जॉब्स नहीं है ये कहा जाता था. और ऑफ कोर्स स्ट्रगल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है. तो और हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स के साइड से एज एन हॉबी कुछ कुछ वहाँ से भी आया है बचपन में. जैसे मेरे मामा, मेरे कजिन्स, वो कोई स्कल्पचर्स बना रहा है घर में, कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स घर में रहते थे, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है मेरे मेरे आर्ट रिलेटेड लाइकिंग पे. तो भावना, जैसे कि आपने बताया, लाइक आपकी स्टोरी सुनकर ऐसा लग रहा है कि यू नो यू हैड बीन सो पैशनेट अबाउट आर्ट एंड यू डिसाइडेड टू एक्चुअली गो फॉर इट. सो आपने बताया कि आपके स्कूल में कहीं ना कहीं आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे. अभी जैसे कि इस चीज को मुझे याद आ रही है तारे जमीन पर मूवी, जहां पर उस बच्चे को एक काइंड ऑफ आर्ट थेरेपी बताई जाती थी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वो बच्चा आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता था. सो डू यू थिंक दैट आर्ट समवेयर एक्चुअली हेल्प यू कोप अप विद the studies? Yes, it's true. It helps. सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी art helps to cope up with the studies. Any type of art, it can be painting, it can be music, it can be
स्कल्पिंग, इट कैन बी डांस ऑल्सो. तो ये जो फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो हमारे ब्रेन को हमेशा एक्टिव रहने में बहुत मदद करते हैं. और अगर आर्ट और पढ़ाई एक साथ की जाए, साइड बाय साइड रहे, तो ऑफ कोर्स वो बच्चा पढ़ाई की तरफ भी उतने ही सिंसियरली ध्यान देना शुरू कर देता है. और मैं भी आज तक मैं बिकॉज नाउ पेंटिंग इज माय प्रोफेशन, सो आई नीड द हेल्प ऑफ अदर आर्ट फॉर्म्स फॉर दिस आल्सो. तो मैं कभी भरतनाट्यम सीखना, कथक सीखना, ये भी फेजेस आते गए, ये दो दो तीन तीन साल तक ये भी मैंने सीखा है एट दिस एज आल्सो. सो अभी भी अगर हो सके, ये लॉकडाउन की वजह से मैंने बंद कर दिया, लेकिन कंटिन्यू कर पाऊँ तो वो करूँगी. कभी अगर मुझे लगे कि म्यूजिक ज्वाइन करना है, मैंने कुछ साल गिटार सीखा लेकिन गिटार में मैं ज्यादा नहीं सीख पाई, तो ये थोड़ा 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 सा सीख लिया, फिर कंटिन्यू कर पाए तो किया, नहीं तो छोड़ दिया. जैसे एक हमें चलना है, चलते चलते कुछ नया नया करने को अगर मिल रहा है, आर्ट फॉर्म सीखने मिल रहा है, तो ये प्लस हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है. नॉट नेसेसरी कि उसे कंप्लीट किया जाए या उसका यूज किया जाए, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट ये एक तो चल रहा है मेरा, लेकिन उसके साथ नॉट नेसेसरी के बाकी भी मैं एज ए प्रोफेशन ले लूं. सो बहुत इंस्पायर करता रहता है मुझे हर एक आर्ट फॉर्म. म्यूजिक भी सुनती रहती हूँ, तो वो एक म्यूजिक भी एक इससे मैं खुद नहीं बजाती, लेकिन वो इंस्पायर करता रहता है. सो आप जब भी आपका आर्ट वर्क जब प्लीज गो अहेड बच्चों. हाँ, तारे जमीन पे ये बहुत अच्छी मूवी रही, जिससे जिस वजह से मेजॉरिटी पेरेंट्स को ये समझ में आया कि हाँ ऐसे हो सकता है. और उसमें वही दिखाया था कि बच्चों को आर्ट से दूर मत ले जाओ, या उस वजह बिकॉज दैट चाइल्ड इज नॉट गुड इन स्टडीज, ही कैनॉट अचीव एनीथिंग, ये सब. सो वो फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट थी. एंड स्लो लर्नर्स, बहुत से बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, तो वो उसमें से भी वो बच्चा स्लो लर्नर थोड़ा सा दिखाया हुआ था, और वो जो पॉइंट उसमें मेंशन किया हुआ है ना, वो बहुत अच्छा अच्छी तरह से आया है आगे. Absolutely. So for my audience, Bhavna is actually multi-talented. अभी मेरे ख्याल से Bhavna ने बहुत ही कम चीजें अपने बारे में बताई है, पर अगर आप उनके वेबसाइट पर उनका पूरा biodata देखेंगे, you will know she has actually done multiple courses on many forms of arts and it is really impressive. So do go ahead and check out her website and you will know why. So, Bhavna, एक by the way, आपका जो बैकग्राउंड है ना, मैं आपको उसके बारे में पूछने वाली थी. इट इज सो मच अट्रैक्टिव, कैन यू टेल मी लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द बैकग्राउंड, लाइक वो क्या आर्ट वर्क है एक्चुअली? मुझे बस वो ग्लिम्स दिख रहा है, एंटायरली नहीं दिख रहा है. दिस वर्क इट्स एक्चुअली इनकम्प्लीट, दिस इज जस्ट डन इन टू लेयर्स टिल नाउ, सो उसमें और बहुत कुछ एड होने वाला है. ये मैंने अभी लास्ट मंथ, घर में भी कुछ होना चाहिए काम, दैट्स व्हाई आई जस्ट ब्रॉट वन कैनवस एंड आई वाज डूइंग ओवर हियर. घर मतलब छुट्टी, अभी क्योंकि स्टूडियो अलग अलग कर दिया है, घर और स्टूडियो, सो घर मतलब छुट्टी. वो फिर पूरा का पूरा काम बंद ना हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शुरू रहता है. सो आई जस्ट यूज इट एज ए बैकग्राउंड, दिस इज माई स्टाइल. सो नॉर्मली आई वर्क on lots of trees, buildings, just living hai, survival of man. I use sometimes nature elements also. If you have seen, I have done lots of works on insects. So for me, these buildings are maybe inspired from the Mumbai life. Both of my parents were working and I used to be alone the whole day after my schools at home with my younger brother. And वो जो मुंबई की अलग अलग गलियां है ना, अगर अलग अलग parts में जाए तो अलग अलग parts में अलग ही fragrance है. जैसे I was born in Solapur but brought up in Jogeshwari, तो वहाँ का चौल सिस्टम,
उसके बाद हम अंधेरी में शिफ्ट हुए, तो अंधेरी में बिल्डिंग सिस्टम। उसके बाद मैं कॉलेज आगे गई, तो कॉलेज में जाने के बाद जहांगीर आर्ट गैलरी मैं वहां पे आती जाती थी, कभी कभी अकेली, कभी फ्रेंड्स के साथ। और वो जो बस के रूट्स थे ना, तो वहां से वो भिंडी बाजार वगैरह उस रूट से जब बस जाती थी तो काफी भरे हुए एरियाज है वो, जैसे फिर वो केबल वायर्स हैंग हो रही है या कपड़े लटके हुए हैं बैल्कनीज में, या बहुत से बिल्डिंग्स पुराने हो के वहां से पेड़ निकल आए हैं। सो दैट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना। सो अभी काफी हमारा लाइफ ना काफी इजी हम बनाते जा रहे हैं, लेकिन एक एज थी मेरी कि मुझे ऐसे लगता था कि हाँ दिस इज गुड, वो थोड़ा सा उसमें इनकम्प्लीट या इम्प्रॉपर, ये जो थिंग्स है ना वो उस स्टेज में अच्छी लगती है, जैसे पूरा बिल्डिंग पुरानी हो गई है और वहां से पेड़ निकल आ रहे हैं, वो बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, वो दैट फाइंड्स इंटरेस्टिंग समटाइम्स। सो ये जो सारी चीजें हैं, और बहुत सी भीड़, मतलब आज भी मुंबई में अगर एक एक घर में बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और उसमें बहुत लोग रह रहे हैं। सो मेरे स्टाइल भी ऐसा है, अगर बिल्डिंग्स देखी जाए तो आई जस्ट डू इट लाइक ओवरलैप द लाइंस ऑफ होम्स, तो उसमें पर्सपेक्टिव नहीं यूज करती, वो एक दूसरे के उस ऊपर ऐसे लाइंस दिखा के मैं काम करती हूँ, और बहुत भीड़ दिखाती हूँ बिल्डिंग्स की। सो वो कहीं पे मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स हैव कम फ्रॉम द मुंबई लाइफ। इनफैक्ट आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया, एंड इनफैक्ट वन ऑफ माय ऑडियंस हैज आल्सो आस्क्ड वेरी सिमिलर क्वेश्चंस। आपके प्रोफाइल के ऊपर कुछ ऐसे भी मतलब पिक्स दिखे कि आपके ट्रैवल रिलेटेड थे, सो ऑडियंस का एक्चुअली क्वेश्चन ये आया है कि लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो एनीवेयर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या उस वक्त आपको अगर ऐसे कोई व्यू दिखता है जो कि बहुत ही सुंदर होता है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू? क्या आप उसे मोबाइल कैमरा में उसे कैप्चर करते हैं और यू जस्ट वांट टू सिट बैक एंड रिलैक्स, या आप उसे अपने कैनवास के ऊपर कैप्चर करना चाहेंगे? आई कीप ट्रैवलिंग अलोन मोस्टली, बहुत से टूर्स मेरे हुए हैं वो हटके हुए हैं, और मोबाइल में मैं कैप्चर अभी करती हूँ, पहले कैमरा रहता था, अभी कैमरा कभी बहुत कम रहता है, लेकिन वो व्यूज मेरे डायरेक्टली कैनवास पे जैसे दिख रहे वैसे उतरते नहीं है, उसमें का जो एसेंस है वो उतरता है। सो द स्टाइल आई वर्क इन इज सेमी रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक इज नॉट फुल्ली रियलिस्टिक, थोड़ा सा निकाल लिया उसमें से हमने क्रिएट कर दिया कुछ और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया, सो या उसको ड्रॉ कर लिया ऐसे। तो अगर फॉर एग्जांपल वी वर ऑन अ बाइक टूर विथ माय सन एंड माय हस्बैंड, आई वाज ऑन द बाइक और सम 2012 में, और उस वक्त जैसे दूर से हम माउंटेन्स जैसे चेस करते जा रहे हैं फ्रॉम मुंबई टू लेह, और हर एक दिन हम अलग अलग स्टेट में थे, आज महाराष्ट्र में, कल गोवा में, फिर राजस्थान, फिर हिमाचल, ऐसे करते करते हम श्रीनगर रूट से हम लेह पहुंचे थे। तो आगे आगे जैसे 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 हिमालयास पास आ रहे थे, तो सुबह हम उठ के शुरू करते थे तो दूर से कुछ एक आध माउंटेन दिखता था, लगता था हाँ कितना सुंदर दिख रहा है, दो अगले दो घंटे में समझ में आता था कि अरे हम उसी रूट पे जा रहे हैं, और फिर 4-5 बजे ध्यान में आता था अरे हम तो पहुंच गए, हम वो जो सुबह देख रहे थे, ऐसे 3-4 दिनों तक लगातार होता रहा। और फिर वहां का अगर आपको मून दिख रहा है तो बहुत वो बड़ा दिख रहा था, क्योंकि पूर्णिमा के दिन गए थे हम, जो मेन अप्रैल मई वाली पूर्णिमा होती है, मई जून की, तो उस वक्त हम गए हुए थे वहां पे। तो समझो फिर वो मून कैसे लेना है, वो मून भी दिखना चाहिए, मून कुछ इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए, मून में कुछ डिटेलिंग भी लगनी चाहिए, तो उसको बढ़ा करके उसमें छोटे 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 ड्रॉइंग्स डाल दिए, तो ऐसे बहुत चीजें करती रहती हूँ।
So I just try to pick up the colors, I try to pick up the atmosphere, I try to pick up the fragrance. This comes from the abstract art, जैसे modern art बोलते हैं, तो ये वहाँ से आता है. So that picture should not look realistic. तो उस पे से मैंने एक show किया था 2015-16 में हुआ था वो show, दिल्ली में एक हुआ था, एक चेन्नई में हुआ था. तो I did a show on mountains and trees. लेह के माउंटेन्स भी थे उसमें, मुंब्रा का जो जो एक मेन माउंटेन है, मुंब्रा का वहाँ पे मंदिर है जो ट्रेन से दिखता है थाना सेंट्रल लाइन से, वो लिया था. फिर माथेरान का लिया था, हम शिवनेरी गए थे वहाँ का कुछ हमने वो एक माउंटेन का व्यू लिया है. लेकिन वो देख के कुछ उसका उसकी पेंटिंग्स देख के उसकी डेप्थ पता चलती है, लेकिन उस पे स्टैम्प नहीं लगा सकते कि ये माउंटेन है. लेकिन सबके कॉम्पोजिशंस अलग अलग हुए हैं, बहुत सुंदर सीरीज हुई थी वो मेरी. So, भावना, आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली वॉट योर स्टाइल इज. मतलब आपकी एक यूनिक स्टाइल है जहां पर आप इमेजिनेशन और फैंटेसीज दोनों को ले आ पाते हो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाई यू वर इंटरनेशनली अक्लेम टू बी एन पॉपुलर आर्टिस्ट, राइट? आई डोंट नो व्हाट आई डू, आई एक्चुअली डोंट नो. मैं बहुत सोचती नहीं. यू आर टू हम्बल. फैंटेसीज हमेशा आते रहते हैं. जैसे मेरे बच्चे मेरा बेटा जब छोटा था तब कहता था कि हे काय आहे सगळे पानं पानं आकाशात उडतायत. इट मीन्स सारे के सारे पत्ते वो स्काय में उड़ क्यों रहे, ऐसे नहीं होता. या बिल्डिंग है, बिल्डिंग उल्टा क्यों दिखाया है तूने, बिल्डिंग सीधा दिखाना चाहिए, तेरी बिल्डिंग उल्टी होती है. एंड एक्चुअली आई डू रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन ऊपर बिल्डिंग होती है, नीचे भी आ जाती है. सो नीचे वाली ना वो नॉट लाइक ए रिफ्लेक्शन, वो बिल्डिंग ही होती है मेरी. So I just put that observer into that fantasies. वो घुस जाता है कहीं ना कहीं पे. So sometimes वो cycles आती है, पूरा का पूरा एक बड़ा सा 3-4-5 feet का canvas, उसमें एक छोटा सा इतना सा ही 1 cm to 1 inch का एक साइकिल या एक रिक्शा, ये ऐसे वो होते हैं, तो उसमें तो vastness आता है. वेरी वेरी ट्रू. सो भावना, वॉट इज लाइक, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी चाइल्डहुड की कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी के बारे में बताएं, तो आप ऐसे कौन सी मेमोरी बताएंगे? चाइल्ड मेमोरी? नो, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, लेटर आई कैन टेल. या नो वरी. सो मे बी वी कैन यू नो जस्ट कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं लाइक विच इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आपको अगर किसी ने दिया था, तो वो किसने दिया था और क्या था? So can you talk about it? Advices मुझे बहुत अच्छे मिले, मुझे लोग बहुत अच्छे मिलते रहे. Not necessary कि एज से बड़े ही हो, मेरे छोटे भी बहुत से फ्रेंड्स हैं. मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. मेरे बड़े बड़े फ्रेंड्स है, 60-70 एज के फ्रेंड्स हैं मेरे. सो जहाँ से अच्छा मिलता है वहाँ से ले लेती हूँ मैं. एंड वन ऑफ माय फ्रेंड इज, ही टोल्ड मी के भावना तू रानी की तरह तू घूमती रहे, जिसको जो इंस्पायर करना है तुझसे, लेट दैट पर्सन गेट इंस्पायर्ड. एंड यू टू, तुझे जो करना है वो करती रहे. जो अगर नया सीखना चाहती है सीख, बिकॉज ही सेड व्हेन ही वाज यंग ही वाज द सेम लाइक आई एम नाउ. I just sometimes I just call that person and ask, "Arey, am I mad? I want to do this." So that person would say, "Just wait for some day," or maybe he would say, "Ke haan, try kar." कुछ साल पहले ऐसे हो गया था कि कुछ नया नया सीखना बंद हो गया था. I think 12-15 years पहले ऐसे हो गया था. 5-6 साल तक नया नहीं था. I was working and working. मैं painting ही कर रही थी. पूरा दिन दिन भर पेंटिंग्स कर रही थी. एक दिन मैं बोर हो गई, और बोर होने के बाद पता चला कि नो, आई नीड टू मेक फ्रेंड्स, आई नीड टू गो समवेयर. आई घूमना तो शुरू था, बट आई वाज अलोन एंड आई कुड नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग दैट आई एम बिकमिंग अ लोनली पर्सन थ्रू माय आर्ट. हो सकता है, हाँ, व्हेन व्हेन इट्स योर प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है.
सो आई कैन जस्ट बिहेव लाइक ए डॉक्टर. अकेला अकेला उसका उसका क्लिनिक है, ऐसा कुछ चल रहा था मेरा. एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स एंड यस आई गॉट नाइस सजेशंस फ्रॉम नाइस फ्रेंड्स ऑल्सो, मेनी फ्रेंड्स, नॉट वन, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, वेल विशर्स. So that's a beautiful piece of advice, Bhavna, जो आपको मिला था. And in fact, like मैं भी personally, you know, अगर मैं अपनी ये बात किसी को बताऊँगी, ये बात actually बहुतों को पता नहीं है. If I'm scared of one thing in life is to stop learning. पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई नई चीज ना सीखूं, so maybe that's the end of world for me. So आपकी बात मुझे बार बार इसी चीज के बारे में याद दिलाती है. I'm sure this is the best piece of advice that anyone can give you, and this is also going to mean a lot to my audience. So Bhavna, अभी आपने जैसे कहा कि like कुछ सालों तक आपको ऐसा मतलब you were like completely into art and painting. So do you think that an artistic life is lonely? Not exactly. It depends on what we want to do, what we want to become. कुछ हद तक हो सकता है. लेकिन आर्टिस्ट आर वेरी मच सेटिस्फाइड. उनको उनको बहुत बड़े बड़े चीजों का अट्रैक्शन नहीं होता. तो वो बिकॉज आई थिंक इवन यू आर एन आर्टिस्ट, यू मेक, यू कीप ऑन डूइंग सम न्यू क्रिएशंस रहता है. मैं just, आपके कंपेयर टू मैं कुछ भी नहीं हूँ. यू कैन से आई एम अ बिगिनर लेवल. That's fine. But thank you coming from you, Bhavna. It means a lot to me, Bhavna. Thank you so much that you recognized my work. So, आप समझ सकती होगी कि आर्टिस्ट को बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती है. एंड वो कम रहता है उसके पास. सो दैट टाइम दैट पर्सन इज हैप्पी, दैट आर्टिस्ट इज हैप्पी. तो लोनलीनेस के बारे में ऐसा है कि ये बहुत से आर्टिस्ट तक के बारे में सही है कि मैं भी खुद मैं फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में कम होती हूँ. बहुत कम मेरे फ्रेंड्स हैं. और यस आई लाइक टू हैंग अराउंड विद पीपल, बट वी लाइक टू बी अलोन आल्सो लॉट्स ऑफ टाइम. एंड पहले था थोड़ा सा वो एक हो गया था ऐसे कि आर्टिस्ट ऐसा ही दिखता है, आर्टिस्ट ऐसा ही अकेला अकेला होता है. वो आई थिंक वो कहानियां हैं बहुत. लेकिन हम हमारे टाइप से जिंदगी जीते हैं. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी आर्टिस्ट हैं. मेरे इन-लॉज आर्टिस्ट नहीं है, सो वी आर ऑल टुगेदर. उन्होंने भी अभी छोड़ दिया है. अरे ये और इनके बच्चे, लाइक इट्स लाइक मेरा बेटा जब स्कूल में हमेशा उसके कंप्लेंट्स होते थे, तो हर महीने में एक कंप्लेंट सुनने के लिए मैं स्कूल में जाती थी. शी वाज इन 6th-7th स्टैंडर्ड. उस वक्त मुझे पता चल गया कि नहीं, हम है ही ऐसे. तो उस स्कूल में जाने के बाद मैं खुद पूछती थी टीचर से कि मैम कुछ न्यू कंप्लेंट है? तो मैम बोलती थी हाँ, यस और नो. एक ही टाइप की कंप्लेंट होती थी कि ये लड़का अपने दुनिया में रहता है, अगर इसको लिखना है तो ही लिखता है, वरना लिखता नहीं है. इसको आता सब है, लेकिन मूड होगा तो ही बोलेगा, मूड होगा तो ही कंप्लीट बुक दिखाएगा. बुक्स इनकम्प्लीट होते हैं. तो मैम धीरे धीरे 6th-7th स्टैंडर्ड टू 9th स्टैंडर्ड उसके लिए मैंने एक प्रिपेयर करके नोट लिखी थी मैंने टीचर के लिए. सी मैम, वी बोथ आर आर्टिस्ट, सो हमारा बेटा भी हम पे गया है. he used to like this creation lot. वो एक मिनट, क्रिएटिविटी उसको भी उस वक्त से पता होती थी. वो इंटरेस्ट से हमारे कामों में वो भी बहुत इंटरेस्ट लेता था उस वक्त. एंड दिस यूज्ड टू हैपन बिकॉज ऑफ दैट. सो Bhavna, यू हैव एक्चुअली टेकन इंडिया ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. तो जब आपको ये न्यूज मिली कि लाइक यू वर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, तो आपके न्यूज कैसे मिली? हु वाज विद यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट विद इट? That was my, I think it was my first show. I don't know how an artist will has to be recognized internationally. उसका अगर काम बाहर जा रहा है या वो खुद बाहर जा रहा है, तो ये दोनों मैंने experience किया हुआ है.
इट वॉज माई फर्स्ट शो एट आर्ट प्लाजा, जहांगीर आर्ट गैलरी अगर आप जाए उसके बाहर ना, आर्ट प्लाजा नाम की एक छोटी सी आर्ट गैलरी है, शेनॉय सर वहाँ उन्होंने वो ओपन किया हुआ था, बहुत काम किया था। वो स्पेस आर्टिस्ट के लिए फ्री ऑफ चार्ज मिलती है। आई डिड नॉट हैव मनी टू गिव रेंट और टू पे द रेंट ऑफ अ गैलरी एंड ऑल। आई हैड जस्ट पास्ड माय एग्जाम्स एंड आई मैरिड ऑल्सो अर्ली, वेरी अर्ली व्हेन आई वाज स्टडिंग। सो वाज इट अ लव मैरिज दैट टाइम? Yeah, it was a love marriage. My husband was just struggling after his studies and my parents wanted me to get settled. I told them that I let me complete it. They said no. So, uske baad chalta raha. Then I completed my diploma. Last year I was in and marriage ke baad jaldi se wo submissions wagera shuru ho gaya. Then I did my diploma in art education. So everything was okay. So that was my first show and that time a couple came and see ghumte ghumte that couple was from France. I don't, hello, can you hear me? Yeah Bhavna, I can hear you. France, and I don't have the details, but that they took one painting with them without the glass. They got that frame, gave me the glass back, and only that piece of paper on which I had painted, they took it with them to France. That was my first शो में एक इंटरनेशनली गया था। देन लेटर आई हैड सम टू शोज इन चेन्नई, दैट टाइम ऑल्सो दिस हैपेंड शो से पहले ही। सो इन चेन्नई टू थ्री पेंटिंग्स वर सोल्ड बिफोर द शो एंड दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस। एंड लेटर ऑन कंटिन्यूसली इट वॉज मोस्ट ऑफ माई पेंटिंग्स वेंट टू फ्रांस and in India also it was very much appreciated. I got an opportunity to visit France, Paris in 2007. For 3 months I was there in a residency program, and there I stayed. I was alone with what you can say, with my art, and it was an artist studio apartments program it was, and there were some 3-4 buildings, lots of artists, different artists, like there were singers, there were choreographers, dancers, sculptors, painters, and they came there and they stayed there, and everyone had their own apartment, and I had a small apartment of one small hall, a tiny kitchen, only one person can stay, can work there, and a small bedroom side. So it was very interesting, and my family was very happy with it. My in-laws were also happy. My parents were happy with because this everything I have achieved is almost from my own. I did not feel the need ki mujhe opportunities do ya portfolio leke ghoom rahi hu, aisa nahi hua tha. And everyone was happy. And that time I had just left my job also, 1 year before. In 2006 I left my job, teaching job, and that's why I felt this is a good achievement. If अगर उसी जॉब में अटकी हुई रहती तो एटलीस्ट मुझे मैं बाहर जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन मैं पेंटिंग्स पे ध्यान नहीं दे पा रही थी बिकॉज ऑफ माय वर्क आउटसाइड एंड ट्रैवलिंग, जो मुंबई में जैसे ट्रेन से ट्रैवलिंग है उसमें बहुत समय निकल जाता है। सो एवरीवन वाज हैप्पी विद इट, और मुझे उस टूर में से भी बहुत सीखने के लिए मिला, because Paris is one of the best place for artists to visit. Lots of museums are there, oldest and the main museums are there, right from Mona Lisa, Michelangelo's works, Leonardo's works are there. So also the Van Gogh and the Picasso museums, different museums are there of their on their names. Bahut
इंटरेस्टिंग था वो. आई वुड से ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा वो. उसमें से मेरे जो व्यूज थे आर्ट रिलेटेड व्यूज, लाइफ के से रिलेटेड व्यूज या रिलेशनशिप्स, ये बहुत चेंज हो गए और ब्रॉडन कर पाई मैं अपने माइंड. हाउ ब्यूटीफुल भावना, लाइक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की कुछ अच्छे मोमेंट्स के बारे में आपके लाइफ के. तो भावना, ऐसे अगर आर्ट वर्क के टाइम के रिलेटेड अगर कोई बात करो, जैसे कि कैन यू टेल मी कि ऐसा कौन सा आर्ट था जो आपको बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा, या तो ऐसा कौन सा आर्ट था जो आपने बहुत ही शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम में बनाया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कभी? आई वर्क विद वेरी टाइनी ब्रशेस, सो अगर मेरे दिमाग में कोई कॉम्पोजिशन है तो वो पेंटिंग अगर छोटा भी हो, इवन देन इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट बिकॉज आई वर्क विद वेरी माइन्यूट ब्रशेस. आई लाइक टू वर्क लाइक द मिनिएचर स्टाइल्स, आई लाइक द इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स, उसमें बहुत बारीक बारीक ब्रश किया हुआ होता है. आई वर्क ऑन लाइन्स, आई वर्क ऑन फ्लैट सर्फेसिस, जैसे फ्लैट ब्रशिंग एंड ऑल, sometimes dry. So I work in various styles. और कभी कभी sometimes painting अटक जाता है बीच में, जैसे एक दो washes हो गए उसके बाद ऐसे लगने लगता है नहीं ये painting ये अभी नहीं बन रहा है. So I just keep it backside रख देती हूँ. Then after a month or so I'll just look at it. If I feel to work on it I'll work. ऐसे करते करते कुछ दो तीन पेंटिंग्स मेरे हैं जो पांच पांच साल तक चल रहे हैं. वो मेरे असिस्टेंट समझो है कोई हेल्पर, तो उससे भी मैंने वो निकाल के उसको बोल के रखा है कि वो अभी पैक करके रख दो, आई डोंट वांट टू वर्क ऑन इट. एक साल के बाद वो फिर से निकाल के फिर से उसको स्ट्रेच करके वर्क करो, फिर से रख दो. ऐसे भी हुए हैं कुछ काम, कुछ है काफी काम है ऐसे, और ऐसे सेल भी हुए. किसी को वो पेंटिंग पसंद आया तो लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था किसी को पसंद आया वो पेंटिंग, तो वो मैंने उसको बोला कि नहीं इसमें थोड़ा काम बाकी है तो प्लीज गिव मी सम डेज. तो उससे मैंने दो हफ्ते मांग लिए काम के लिए, और फिर दो हफ्ते में वो पेंटिंग बहुत अच्छा हुआ जो मैंने इमेजिन भी नहीं किया हुआ था. वो पांच आई थिंक 2000 अभी 3 महीने पहले वो कम्प्लीट होके गया है चेन्नई, और वो पेंटिंग मैंने 2013 में शुरू किया था. ओह, मेरे ओल्ड स्टूडियो में वहां पे शुरू हुआ था, फिर वो पैक हुआ, फिर ओपन हुआ, फिर पैक हो गया था. तो फोटोग्राफ पे से सिलेक्ट हुआ, तो सिलेक्ट होने के बाद वो अभी मैंने स्ट्रेच करके उस पर सिंसियरली काम किया, एंड देन आई लव दैट पेंटिंग जो जिसको मैं सोच रही थी कि नहीं ये नहीं बन रहा है ऐसे. सो दैट्स ऑल, ये सब दिमाग का खेल है आर्टिस्ट का कि कब आर्टिस्ट उस पे काम करना चाहे, कब खत्म करना चाहे. कुछ पेंटिंग्स है 2 दिन में भी बन जाती है एंड दे आर एप्रिशिएटेड, बन जाती है, लेकिन उस पे वो क्वालिटी कम आती है जो मेरी स्टाइल है ना. लेकिन होता है, मैं अगर रात दिन मेहनत करूं तो 4-4, 5-5 दिन में भी खत्म कर देती हूँ. पहले होता था ज्यादा, अभी काम उस टाइप का मैंने कम कर दिया है. अभी काफी दिन लेके काम करती हूँ मैं, करती थी जस्ट कंटिन्यू 8-8 घंटे की जब पेंटिंग करती थी, उस वक्त घर और स्टूडियो एक ही था हमारा, सो उस वक्त करती थी तो हो जाता था, जल्दी जल्दी पेंटिंग्स हो जाते थे. और अभी काम थोड़ा कम कर दिया है मैंने, थोड़ा रेस्ट ले लेके करती हूँ, ब्रेक्स काफी लेती हूँ मैं. राइट, सो भावना इज देयर एनीथिंग दैट यू डिसलाइक अबाउट आर्ट वर्ल्ड? हाँ, काफी स्ट्रगल्स है, नॉट आर्ट वर्ल्ड. व्हाट आई डिसलाइक इज अभी भी बहुत लोगों को आर्ट फ्री में मिलनी चाहिए ऐसे लगता है, या आर्ट को आर्ट की वैल्यू नहीं समझ में आती, कभी आर्टिस्ट को नहीं समझ में आती क्योंकि आर्टिस्ट खुद समझा नहीं पाता शायद क्लाइंट्स को. ये हो जाता है, लोग बहुत से लोग आर्ट को लेना चाहते हैं लेकिन उसके लिए पे नहीं करना चाहते, ऐसे होता है.
That's why lots of artists struggle. And this happens with every artist. छोटा आर्टिस्ट हो, बड़ा आर्टिस्ट हो, सबके साथ ऐसा होता है. तो आर्ट बनने के लिए उसकी उसमें जो एक्सपीरियंस है, पहले का एक्सपीरियंस है, वो भी ऐड जो हो जाता है. दिस इज नॉट लाइक एक हाथ शॉट मार दिया और वो सिक्स लग गया, ऐसा नहीं है. जैसे जैसे कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो, जैसे पहले का जो एक्सपीरियंस जैसे ऐड हुआ है ना, ये ऐड होते होते आगे जाके इस ये एक स्टाइल में कन्वर्ट होता है. टू गेट आवर ओन स्टाइल वी नीड एटलीस्ट 5 years ऑफ वर्क, हार्ड वर्क इन द इंस्टीट्यूट, 4 to 5 years. उसके बाद 1-2 साल फेलोशिप कर ली या खुद ही प्रैक्टिस कर ली, शोज किए, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये स्टाइल है, ये मेरी स्टाइल है. आज अगर भावना का काम अगर कहीं पे आप दुनिया के किसी कोने में अगर आप देख ले, तो शायद आपको ये समझ में, आप खुद ही बोले कि अरे ये भावना का काम है. ऐसे बहुत से आर्टिस्ट है, वो शायद आगे नहीं आ पाते या इसी वजह से पीछे रह जाते हैं फाइनेंशियली, बिकॉज फाइनेंशियल कमाते नहीं, कमा नहीं पाते, तो उसमें से आगे बढ़ना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये आर्ट का प्रॉब्लम है. आर्ट को और हमेशा गॉडफादर की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ जाती है, हेल्प की जरूरत पड़ जाती है. तो भावना, अभी आपने जैसे बताया कि एक आर्टिस्ट के लिए काफी स्ट्रगल होता है, सो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा स्ट्रगल सिर्फ इंडिया में ही है या ये आउट ऑफ इंडिया भी ऐसा स्ट्रगल सेम ही है लाइक ग्लोबली? आई डोंट नो, इंडिया में ज्यादा है स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे जैसे, क्योंकि हर एक फील्ड में स्ट्रगल है, आर्ट फील्ड में कुछ ज्यादा है स्ट्रगल, हर एक फील्ड में स्ट्रगल पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा हो रहा है, या बहुत सी चीजें हैं हमें मालूम है. मैं महाराष्ट्र के आर्टिस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरे काम चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर में ज्यादा लगे हैं. सो कमिंग ऑन टू द गॉडफादर थिंग, जैसे आपने गॉडफादर के बारे में बात की, सो डिड यू एवर हैव अ गॉडफादर? द पीपल हु बिलीव्ड इन मी, द पीपल हु बॉट माय वर्क्स, द पीपल हु प्रमोटेड माय वर्क्स, द आर्ट गैलरीज व्हिच प्रमोटेड माय वर्क्स आर माय गॉडफादर्स, आई वुड से. ओके ओके, और उससे आगे नहीं है कोई. ओके, सो भावना, आपके काफी सारे मतलब अचीवमेंट्स मैंने देखा कि आपके आर्ट कैंप्स में भी आप मतलब एक आपने पार्टिसिपेट किया था या शायद आपने कंडक्ट भी किया था, आर्ट रेसिडेंसी हो गई या आर्ट फेस्टिवल्स होंगे, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? आर्ट कैंप्स, आर्ट रेसिडेंसीज, ये दीज आर स्पॉन्सर्ड थिंग्स मोस्टली. जैसे कोई किसी के पास फाइनेंशियली काफी स्टेबल है, तो वो आर्टिस्ट को इनवाइट करके उनका रहना, खाना पीना वगैरह वो सब सेटल करके वो अरेंज करते हैं, एंड देन वी जस्ट वर्क ओवर इट. तो हमारे जो काम है उनके उनके पास कलेक्शंस में चले जाते हैं, एंड देन लेटर ऑन आफ्टर अ फ्यू इयर्स व्हेन द पेंटिंग्स का प्राइसेस बढ़ गया या इफ दे वांट टू सेल एंड ऑल, तो वो फॉर्मेलिटीज होती है उसमें. देन दिस इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट, आर्ट इज एन इन्वेस्टमेंट, द कंटेम्प्ररी आर्ट इज इन्वेस्टमेंट, आई वुड से. सो ये ऐसा है. एंड फॉर एन आर्टिस्ट, बिकॉज वी वर्क इन आवर ओन स्टूडियोज अकेले अकेले, सो दिस इज इंटरेस्टिंग के 15-20 आर्टिस्ट एक साथ मिले हैं, सो वी हैव फन, वी जस्ट वर्क टूगेदर, वी शेयर आवर व्यूज, वी गेट टू नो ईच अदर, वी मेक फ्रेंड्स. बहुत सा उसमें से इंस्पिरेशंस भी आ जाता है, बहुत नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती है. सो साल में 1-2 बार ऐसे चीजें अटेंड करना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, तो मैं नॉर्मली करती रहती हूँ बीच बीच में अटेंड, एंड उसके बाद खुद भी फ्रेश हो जाते हैं और काम भी, काम में अच्छी एक रिदम आ जाता है. सो दिस इट्स नाइस, घूमना हो जाता है उसके साथ, एंड बिकॉज वी आर आर्टिस्ट ना, तो आर्टिस्टिक व्यूज शेयर करने में बहुत मजा आता है. या यू मस्ट बी हेटिंग लॉकडाउन लाइक एनीथिंग, राइट?
No, I'm not. I stay in a very cool place. यहाँ पे बहुत पहले लिया हुआ था जो प्लॉट था वहाँ पे मेरे हमने कुछ साल पहले घर बांधा है. So right in front of my eyes is now it's Gulmohar Field. अपना अपना झूल रहा है. So ऐसा है. So no, I'm not hating the lockdown. I'm enjoying it. That's really sweet, Bhavna. So Bhavna, are there any other artists jinka work aap adore karte ho? Can you name any artist? Lots of master artists, purane. अभी भी है, अभी के भी आर्टिस्ट है लेकिन पुराने लूंगी मैं नाम. जैसे अमृता शेरगिल, ये बहुत पहले थी और कुछ साल तक ही रही, वो जल्दी डेथ हुई उनकी. शी इज नोन टू बी वन ऑफ द पर्सन्स इंडिया में जिन्होंने मॉडर्न आर्ट लाया, मॉडर्निज्म लाया आर्ट में, उनमें से एक थी अमृता शेरगिल. देन वैन गॉग की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है. ही नेवर मेट people who love him. काफी उसने सब कोई भी आता उसको टॉन्ट मार के चला जाता, कोई भी आता उसको कुछ ना कुछ बोल के चला. उसने इतना सारा काम किया है and his works are superb. Picasso is not so much I like, लेकिन interesting है उनके काम. Degas के काम बहुत पसंद है. इंडियन आर्टिस्ट में से ऑफ कोर्स राजा रवि वर्मा के काम बहुत पसंद है मुझको. मुझे इंडियन मिनिएचर्स पसंद है. मुझे एमएफ हुसैन के काम बहुत पसंद है. रवि परांस पे है. ये काफी सारे आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट है काफी जिनके वर्क्स देखती रहती हूँ. साउथ के आर्टिस्ट है, पुराने मंदिर है अपने मंदिरों के यहाँ पे जो स्कल्पचर्स है वो पसंद है मुझे देखना. So, nature also एक art form ही है, वो मुझे सबसे ज्यादा inspire करता है. So, there are many older artists, those are my inspirations. Indian art है, European art है, and lots of works I keep on seeing. Nature is one of the inspirations. It has always inspired me. So, Bhavna, ऐसा कभी हुआ कि you have seen a strangest form of art anytime? ऐसा कभी हुआ जो आपको फील हुआ कि ये एक बहुत ही स्ट्रेंज आर्ट है एंड प्रोबेबली इट इज ओवररेटेड या अंडररेटेड? यस, आई फाइंड समटाइम्स, बट आई जस्ट डोंट टॉक ऑन इट. इफ समथिंग आई डोंट लाइक, आई जस्ट दैट कैन बी मे बी बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग इट्स सेलिंग इन गुड प्राइस और इट्स वन आर्टिस्ट डजंट हैव any right to say anything about the other artist normally. That's why I just keep quiet. There are few artworks, those are overrated hai. Kuch achhe achhe kaam hai jo underrated hai. Depends on how we do the marketing, how we just promote it or how someone promotes it. Yeah, ye actually question maine hamare next part 2 ke liye rakha hai, so we can continue on this question further. So abhi to hum apne baaki audience questions se continue karenge. To ek aur ek interesting question aaya hai jahan par baat kar rahe hai ki like an artistic work actually plays a very deeper role in the transformation of societies. तो आप ऐसे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आर्ट होता है हमारे जो करंट सोशल या पॉलिटिकल चीजों के बारे में अगर उसे बात करनी है तो हाउ डज इट एक्चुअली हैज एन इम्पैक्ट ऑन द ऑन दीज सिचुएशंस? क्या उसका कोई इम्पैक्ट होता भी है? बहुत इम्पैक्ट होता है क्योंकि वर्ड्स बाद में आते हैं, पहले आती है वो नजर आती है, जो सामने है वो दिखता है पहले, उसमें से वो इमेज जल्दी ब्रेन पे काम कर जाती है, रिफ्लेक्ट होती है ब्रेन पे और वर्ड्स बाद में आते हैं. तो आई वुड से कि आर्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द सोसाइटी, इंस्पायरिंग द सोसाइटी और एजुकेटिंग द सोसाइटी, व्हाटएवर. तो बहुत काम करता है एंड इट डिपेंड्स ऑन हम वो आर्टिस्ट के वर्क की क्वालिटी भी डिपेंड करती है. And of course, art should be included everywhere. आप सिंपल सी बात देखें, घर में अगर घर है, खाली है, only with useful things जैसे furniture है, लोग है, एक तो paintings वहां पे अगर hang हो गई तो look पूरा का पूरा बदल जाता है.
I agree to it's like that. So Bhavna, what does a vital role? Yeah, Bhavna, go ahead. No, sorry, वो बीच में actually lag time आ जाता है ना, तो वो बीच में cut off हो जाता है. So you say, you carry on. Yeah. So Bhavna, what does your artwork aims to say? I don't have a specific deep meanings नहीं होते मेरे काम में. Those are very simplified forms. If you have seen them. I work on very simplified forms. I work on the subjects like nature, love, freedom, joy, happiness. Fantasies is one of my favorite things to put in. So earlier I used to work in the childlike thoughts, like children's innocence it was. And I had done a project also in my college days on this subject, the children's innocence. And they have very innocent things, apni soch hoti hai. And usme bahut deep meanings nahi hoti. So mera kaam bhi waisa hi hai. Aur main isliye deep meanings hote nahi hai. So just happiness suggest karta hai mera kaam. Main bhi happiness wo kaam jahan pe hai wahan se kuch atmosphere mein पॉजिटिविटी लाए, ये सोच के मैं काम करती हूँ. मैं खुद भी जब दुखी होती हूँ तो काम नहीं करती, आई टेक ए ब्रेक. और मैं हमेशा अच्छे मूड में काम करती हूँ. तो बिकॉज इफ अगर वैसे देना है, जैसे इफ आई वॉन्ट टू गिव इट टू समवन, देन ऐसे मेरी सोच है. जैसे खाना बनाते वक्त अगर दिमाग में चिढ़ है तो खाने में उतर जाता है. पेंटिंग्स का भी वैसा ही है. सो आई जस्ट फील आई शुड पास ऑन द हैप्पीनेस टू पीपल. दैट्स इट. वन पर्सन, वो पहले वाला क्वेश्चन भी याद आया. वन पर्सन, वन आर्टिस्ट आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट हिज पेंटिंग्स इज पॉल क्ली. ही इज अ स्पैनिश आर्टिस्ट एंड ही वाज अ म्यूजिशियन. ही वाज अ टीचर एंड ही हैज रिटन lots of calculative theories. जैसे maths होता है ना, ऐसे theories उन्होंने उस जमाने में 18th-19th में उन्होंने books में लिख के रखे है related to art. उनका ये कहना है कि मैं बहुत छोटी छोटी चीजें करता जाऊंगा और उन छोटी चीजें एकत्र एक के बाद कुछ बड़ा बन जाएगा उसमें से. सो धीरे, पहले छोटे छोटे काम करती थी तो फिर धीरे 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 वो ऑफकोर्स वो बढ़ गया. सो ये उस कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत काम करती रही हूँ और ही इज माई फेवरेट. उनका भी काम अगर देखे तो ऐसे ही चाइल्ड लाइक थॉट्स पे उन्होंने बहुत काम किया है. So, Bhavna, बीच में actually, you know, थोड़ा सा I think network issue हुआ. तो if I have understood it correctly, शायद स्कूल में एक ऐसी सिमिलर पोएम थी कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है. सो आपने जो अभी कहा, इज इट अ सिमिलर मैसेज? यस, ऑलमोस्ट. That's quite an interesting theory actually. So, Bhavna, अभी जैसे कि आपने कहा कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आप काम नहीं करते. सो एट सच पॉइंट ऑफ टाइम whom do you reach out to? आप किससे बात करते हो? भगवान से. भगवान से और म्यूजिक ऑफ कोर्स, फिल्म म्यूजिक. हाँ, फिर बॉलीवुड म्यूजिक एक साइड पे और एक साइड पे भजन, कृष्णा के भजन होते हैं वो मेरे फेवरेट है, कृष्णा एंड राधा के एंड पंडित जसराज. फिर वो विठल के अपना पंडित भीमसेन जोशी के विठल के भजन. फिर किशोरी अमोन करके मीराबाई भजन. ये मेरे फेवरेट वंस हैं. तो ये हमेशा स्टूडियो में शुरू रहते हैं. बहुत बार ऐसे हुआ है कि काम शुरू करने से पहले एक आध उनका भजन सुन लेती हूँ मैं 5-10 मिनट तक, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ मेरा काम. सो हाँ, ये बेस्ट है. और सोना, सोने के बाद ना पूरा दिमाग से निकल जाता है. देन विद अ फ्रेश माइंड आई स्टार्ट वर्किंग. ये मेरा दो फेवरेट चीजें हैं. ये चीज मैं भी करती हूँ. जब मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ सीधा सो जाती हूँ. इट्स
इट काइंड ऑफ यू नो ऐसे रीसेट कर देता है माइंड को कि फिर से उस चीज की तरफ एक नए पर्सपेक्टिव से देखे. सो दिस इज एक्चुअली वन गुड थिंग. मैं नया पेंटिंग शुरू करने से पहले वो पेंटिंग के सामने थोड़ा टाइम सो लेती हूँ. एंड देन व्हेन आई ओपन माय आईज वो पेंटिंग सामने होता है और तब जो शुरू होता है ना काम वो अच्छा चलता रहता है. Wow, that's interesting. That's actually interesting, Bhavna. Earlier, I was working with this childlike thoughts, na? When my son was born that time, and those 3-4 years I was working on that subject. So, usme jo maine boys and girls ke form use kiye hai, usme anatomy nahi use kiya. Anatomy is the study of bones and muscles. Okay, so wo usme use nahi kiya. Kafi innocently wo forms maine उसमें ड्रॉ किए हुए रहते थे. एंड उस वक्त भी मैं वो कैनवस सामने रखा करती थी. एंड आई यूज्ड टू स्लीप फॉर सम टाइम 10-15 मिनट्स थोड़ा सा मैंने ये कर लिया. तो दिमाग में उसके बाद जो कुछ भी दिमाग में आता था व्यू उसके बाद वो ड्रॉइंग शुरू हो जाता था. वो मेरे जो फैंटेसीज काम के है ना वहां से आए हुए हैं. राइट. सो भावना अभी आप कौन से आर्टवर्क पर काम कर रहे हो? लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मैं देखती हूँ छोटा हो बड़ा हो और समझो 50 ड्रीम देखती है तो 2-4 उसमें से पूरे हो जाते हैं. आई एम हैप्पी विद इट. ओके, सो प्लान्स बहुत मैंने किया नहीं है पहले से. आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड आई वांट टू वर्क. सब्जेक्ट्स तो बहुत चेंज होने वाले है नहीं क्योंकि ये जो काम कर रही हूँ वही वास्ट है. एवरी 4-5 ईयर्स काम बदलते रहता है. दैट्स व्हाई आई डोंट नीड एग्जैक्टली के because even you are a female, females का life बदलते रहता है. After every 4-5 years, अपना life, अपनी सोच बदलती रहती है. figure के साथ दिमाग भी बदलता रहता है. So this keeps on happening. So painting में planning की जरूरत मुझे नहीं है. मेरा जैसे ये चलता रहेगा ना, I'll just try to keep myself calm, forgive people, keep forgiving people. Like the yogasana says, और काम करते रहो, happiness में काम करते रहो. ये जो 2-3 छोटी छोटी चीजें है ना, that will keep me alive also and keep me working till the end. That's really absolutely because when I said na, I was bored few years back, then I starting that time I started learning various mediums like metal and metal ke sculptures, then relief metal पे पत्रा पे काम करती थी मैं. जैसे कॉपर का हो पत्रा, ब्रास का पत्रा हो, वो मैंने शुरू किया रिपोजिट. एंड उसपे इनामल्ड वर्क शुरू किया. जैसे इंडिया में मीनाकारी आपको पता होगा, ज्वेलरी में यूज करते हैं मीनाकारी. सो दैट इज फ्यूज किया हुआ ग्लास. ग्लास जो है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है. वो हाई टेम्परेचर फायर करके फर्नेस में मेटल के शीट पे डिजाइन करके उसको हाई टेम्परेचर पे फायर किया जाता है. देन वी गेट दैट डिजाइन, दैट इज मीनाकारी. ओके, सो अपर लेयर कलर्ड लेयर इज द ग्लास, इट्स फ्यूज्ड ग्लास. ओके, इस कंसेप्ट पे मैं काम करती हूँ. लेकिन आई वर्क इन पेंटिंग स्टाइल, आई डोंट वर्क इन दैट ट्रेडिशनल टेक्निक. आई नो इट, आई हैव वर्कड इन इट, बट माय फेवरेट इज माय ओन टेक्निक्स विद दैट एक्सपेरिमेंटल स्टाइल्स. तो वो मैं करती रही. देन थोड़ा बहुत सिरामिक्स किया. सो आई जस्ट कीप ऑन एडिंग न्यू थिंग्स. अभी विद एज मुझे लग रहा है कि नो आई शुड बस बहुत नया नया बहुत सीख लिया. अभी जस्ट वर्क इन इट, कीप वर्किंग इन इट. तो स्पेसिफिक प्लान्स नहीं है. सो भावना, जब आपका लाइक व्हेन योर आर्ट वर्क इज कंप्लीटेड, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? से फॉर एग्जांपल उसकी प्राइसिंग कहो या ऐसे कोई, मतलब उसके नेक्स्ट स्टेप्स आप कैसे लेते हैं? और इज देयर एनीवन एल्स हु डज इट फॉर यू? दिस डज नॉट वर्क लाइक शॉप. मेकिंग आर्ट डज नॉट वर्क लाइक शॉप. नेक्स्ट स्टेप ऐसा होता है कि उसको फोटोग्राफ, जब भी टाइम मिले फोटोग्राफ करके रख लो. इफ एनीवन नीड्स इट आई कैन जस्ट forward that photographs, or there are few galleries who take care of it. So earlier I used to
मेक सम 8 to 10 वर्क्स एंड देन वो आफ्टर एवरी 3-4 मंथ्स आई यूज टू सेंड दैट पेंटिंग्स टू द गैलरीज टू ऑन कंसाइनमेंट बेसिस इवन नाउ आई डू इट समटाइम्स फ्यू मेटल वर्क्स आर विद मी दैट दे स्टे विद मी बिकॉज आई कैनॉट जस्ट भेज दिया ऐसा नहीं हो सकता दैट्स हैवी नो सो सम थिंग्स स्टे विद मी सम थिंग्स गो sometimes it happens that when my shows are getting ready time aa gaya hai to I just kaam karo aise khatam kar diya then packing karke show ke liye ready kar diya aisa hota hai so bas yahi process hoti hai mere kaam ki so for every artist different process kaam karti hai so in fact I think you have already answered one more question of audience matlab unko ye janna tha ki as an artist aap apne aap ko grow karne ke liye what is it that you continue to do or continue to develop as an artist I think ye question ka jawab apne already bata diya hai or do you want to talk more on it artist as an artist grow karne ke liye and sabse pehle khush rehne ke liye main seekhti rehti hu kuch na kuch और योगासन वगैरह तो है ही साथ में बीच बीच में वही वो भी शुरू रहता है मेडिटेशंस रहते हैं योगासन रहता है सो दैट्स नेसेसरी पार्ट ऑफ माय लाइफ एक्सरसाइजेस है वो कर लिया सो आई एम नॉट वेरी गुड इन ऑल दिस थिंग्स लेकिन बीच बीच में रहता है शुरू सो भावना एक सबसे मतलब अभी जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आए हैं ऑडियंस से उसमें एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड एक्चुअली वो जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू बेसिकली इट इज कनेक्टिंग वास्तु शास्त्र विद आर्ट अब जैसे कि लाइक बहुत सारे पॉपुलर आर्ट्स है कुछ 7-8 फॉर्म्स ऑफ आर्ट है जैसे कि यू नो व्हाइट हॉर्सेस एक डायरेक्शन में रन कर रहे हैं राधा कृष्ण की जोड़ी हो गई या माँ लक्ष्मी का फोटो हो गया तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्ट है इनकी जो ये सबसे पहले तो ये वास्तु कंप्लायंट है एंड इट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स सक्सेस मनी एंड प्रोस्पेरिटी इन लाइफ ऑफ पीपल तो इस क्वेश्चन को मैं आपको डेफिनेटली आपके व्यूज जानना चाहूंगी पर आज नहीं बेसिकली इन पार्ट टू सो टू ऑल माय ऑडियंस दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिनका रिस्पांस यू रियली शुड नॉट मिस सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय पार्ट टू जो कि बहुत जल्दी आने वाला है आई विल कीप यू इन्फॉर्म अबाउट दिस एंड मीनवाइल डू चेक आउट ऑल माय व्लॉग्स इन केस इफ यू आर न्यू टू माय चैनल and do not hesitate to hit like share comment and subscribe to my channel hum bheer sari aur bhi interesting baat karne wale hai bhavna ke sath she is going to talk a lot more on terms of career guidance ho gaya any financial aspects probably how to take care of art and very importantly vastu shastra and art in dono ka relation kya hai okay so I think aaj ke liye itna hi kafi hai so let us speak As soon as possible on it, and meanwhile, take care. Take care, Bhavna. Take care, everyone. Take care. Bye. Bye.